यदि आप चाहते हैं दोस्तों कि एनसीईआरटी बुक आपके पास फ्री में आ जाए दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। बुक्स डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर चले जाना है और यहाँ पर टाइप करना है एनसीईआरटी। जब दोस्तों आप इस पर एनसीईआरटी सर्च करेंगे तो आप देखिए एनसीईआरटी का ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर रेडी हो चुका है। उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों स्वाइप करके हम नीचे के साइड आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों लिखा है टेक्स्ट बुक। तो दोस्तों यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक लिखा है उसी पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए लिखा है सिलेबस ई बुक, उसके बाद तो परचेस बुक्स ऑनलाइन, तो हम ई बुक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ई बुक लिखने के बाद दोस्तों वहाँ पर ऊपर के लाइन में देख सकते हैं दोस्तों PDF 1 to 12 तक का PDF उसमें बताया जा रहा है कि आप मतलब 1 से लेकर 12 तक के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्त देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर खुलकर रेडी हो चुका है। ये क्लास डालिए, सब्जेक्ट डालिए, टाइटल का बुक का टाइटल डालिए। तो यहाँ से पहला सेलेक्ट करेंगे, हमको जैसे कि 8 क्लास का बुक डाउनलोड करना है मैथ का, तो हम क्लास 8 पर ऐसे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमने 8 पर क्लिक किया। उसके बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए मैथमेटिक्स का बुक चाहिए, तो हम यहाँ पर मैथमेटिक्स पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बुक का टाइटल क्या होना चाहिए, मतलब कि हिंदी में कि उर्दू में कि इंग्लिश में, तो हम गणित पर क्लिक करके हिंदी में इसको डाउनलोड करेंगे। तो हमने दोस्तों देखिए यहाँ पर गणित पर क्लिक करके ओके कर देंगे, गो पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि चैप्टर वाइज जो है कि हमारा पूरा यहाँ पर बुक का PDF खुलकर रेडी हो चुका है। आप चाहें तो कोई भी PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम पहला यहाँ पर PDF 1 पेज का डाउनलोड करते हैं, चैप्टर 1 का। तो देख सकते हैं कि ऊपर हमारा डाउनलोड हो रहा है, अभी आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे डाउनलोड होकर कैसे दिखा रहा है। तो ऊपर आने के बाद दोस्तों कि हमारे PDF देख सकते हैं ऊपर डाउनलोड हो चुका है, जो कि 1 चैप्टर का है। इसको हम डायरेक्ट आपको PDF में खोल कर दिखाने वाले हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों को परिमेय संख्याओं नाम से हमारा जो कि पहला चैप्टर का PDF हमने डाउनलोड कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर जो कि देख सकते हैं 74 पेज नंबर इसमें दिया है, पूरा 74 है। तो यहाँ से आप किसी भी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको फुल वीडियो आपको डाउनलोड करने वाले कि मतलब फुल PDF डाउनलोड कैसे करेंगे पूरे बुक का, तो दोस्तों नीचे स्वाइप करके आएंगे दोस्तों, यहाँ लिखा है डाउनलोड कंप्लीट बुक, दोस्तों उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो कि PDF डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोडिंग फाइल हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा 21 MB का जो है कि PDF ही डाउनलोड हो जो PDF होता है दोस्तों जीप फाइल में होता है, तो इसको आपको किसी भी फाइल में आपको एक्सपोर्ट करना होता है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो मांग रहा है कि किस आप फाइल में इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। दोस्तों हमने क्लिक किया ऑटो बुक पर, उस पर जाकर इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा यहाँ पर पूरा आपको PDF यहाँ पर शो कर रहा होगा कि चैप्टर 1 से लेकर जितना भी इसका चैप्टर है सारा आपको शो कर रहा है दोस्तों। तो फिर से दोस्तों आपको पहले चैप्टर को ऐसे खोल कर दिखा देते हैं दूसरे चैप्टर को। तो देख सकते हैं कि हमारा दूसरा चैप्टर है 1 चर के रैखिक समीकरण। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोस्तों NCERT के सारे PDF को डाउनलोड कर लिया। एक तरह से कहें तो हम पूरे क्लास 8 के गणित का, हिंदी सब्जेक्ट का, मतलब मैथ का हिंदी वर्जन में हमने पूरा 8 क्लास का गणित सब्जेक्ट को डाउनलोड कर लिया है दोस्तों। यदि आप इसी तरह से और भी सब्जेक्ट का आप डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे इंग्लिश में चाहे उर्दू में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये दोस्तों डाउनलोड करते समय यदि आपको कोई परेशानी होती है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हमको ये परेशानी हो रही है। दोस्तों इसका एक ही सलूशन होगा दोस्तों कि ये जीप फाइल में डाउनलोड होता है, इसको फाइल में एक्सट्रैक्ट करना होता है, कर देंगे, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं।